क्लास में जो टॉपिक्स हमें करना है वो टॉपिक्स हम पूरे कवर करने वाले हैं तो इससे पहले आगे बढ़े उम्मीद करता हूँ तो को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है तो फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं जब तक हमारे विद्यार्थी गण जुड़ रहे हैं मैं समझ सकता हूँ आपने नौ बजे इंतजार किया था एंड उसके बाद क्लास नहीं हो पाई निराशा होती है दुख भी होता है पर कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमारे हाथ में फ्रेंकली नहीं होती हैं और उस केस में हमें ये कभी कभी इस प्रकार के टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो इसी वजह से ये क्लास हमें थोड़ी सी डिले करनी पड़ी हो सकता है आप में से जो रेगुलरली इसको लाइव देखते थे वो नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए कोई बात नहीं आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में हमने बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स कवर किए हैं ऑलरेडी आप अगर देखें तो हमने अब तक ऑलरेडी इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ा है मानसून पढ़ा है वैसे ही अगर आप देखें तो सवाना सूडान क्लाइमेट अभी हमें पढ़ना है और फिर उसके सवाना क्लाइमेट भी हमने पढ़ा है साहिल रीजन के बारे में भी कल पढ़ा था डिजर्ट क्लाइमेट भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसी की कहानी को हमें आगे बढ़ानी है हमने डिजर्ट क्लाइमेट में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और क्लाइमेट भी पढ़ा था कि क्लाइमेट कैसा होता है डिजर्ट का एंड क्यों वहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सट्रीम डायरनल होता है डायरनल रेंज में इतनी ज्यादा इतना हाई रेंज क्यों होता है डायरनल टेम्परेचर का तो so याद है सभी को डायरनल टेम्परेचर में रेंज क्यों हाई होता है क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होते हैं क्लाउडलेस क्लियर स्काई होती है और क्लाउडलेस क्लियर स्काई होने की वजह से क्या होता है जो सोलर इंसोलेशन आसमान से आ रही है सन से आ रही है वो सीधा का सीधा अर्थ रात को रेडिएट करके निकाल देता है तो रात को क्या हो जाता है हीट ट्रैप्ड नहीं रहता क्योंकि बादल नहीं होते अदरवाइज बादल क्या करता है हीट ट्रैप करके रखता है तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा इस वजह से रात को टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाती है और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इस वजह से अगर आप देखें तो काफी हाई हो जाता है तो आज देखते हैं दोस्तों डेजर्ट क्लाइमेट में इकॉनमी कैसी होती है इकोनॉमी कैसी होती है तो अगर आप देखें तो डेजर्ट वैसे तो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है पानी की कमी है इतना हाई टेम्परेचर है इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वहां पर इंसान नहीं रहते हैं टाइम एंड अगेन आपने देखा है अलग अलग इनहबिटेंट्स वहां पर रहते हुए दिखे हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं इजिप्ट की बात अगर आप करें वैसे तो रेगिस्तान है लेकिन इजिप्शियंस ने कितना हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशनल अटेनमेंट इजिप्ट के रेगिस्तान में बनाया था है ना पिरामिड्स बनाया है इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी तो इसी प्रकार से आप देखें तो अरब की बात करें अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर जो आप मैप में देख रहे हैं ये छे नंबर पे आप देख रहे हैं अरेबियन डेजर्ट है तो इन इलाकों में बहुत फेमस अगर कोई ट्राइब्स रहते थे तो देवर दिडोइंस देखिए आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सब क्या है ट्राइब्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पूछती है इंटरेस्ट ले रही है और इस पर एज इट इज सवाल बनेगा तो इसलिए इसको याद रखेगा तो बिडोइंस हैं बिडोइंस अरब में अरब वर्ल्ड में रहने वाले एक अगर आप देखे तो ट्राइब्स हुआ करते थे एंड शीप्स गोट कैमल हॉर्सेस वो सब अगर आप देखें तो उसको चराया करते थे सर क्लास का टाइम चेंज हुआ है क्या नहीं नहीं आशा क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है बस आज जो सुबह की क्लास होनी थी नौ बजे ड्यू टू टेक्निकल रीजन वो नौ बजे नहीं हो पाई एंड क्लास बीच में ही हमें रुकना पड़ गया था शुरू होते ही रादर तो इसलिए आज के लिए आपको ये स्लॉट में वो क्लास का मेकअप क्लास कर रहे हैं सो दैट साढ़े तीन बजे आप क्विज अच्छे से दे सके अदरवाइज आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं <laughs> तो इसमें आप क्यों पूछ रहे हो तो वो ना हो इसीलिए आपको यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं ठीक है तो देखिए भाई कहां पे रहते थे अरेबिया में अरेबिया में तो अरेबियन क्लाइमेट में वहां अरेबियन इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डिजर्ट है अरेबियन डिजर्ट है इसमें बिडोइंस रहा करते थे आप काफी इंफ्लुएंशियल लोग हैं एक टाइम में क्या किया करते थे शीप्स गोट्स कैमल हॉर्सेस चराया करते थे एंड आज के टाइम में आप देखें तो सद्दाम हुसैन आपको मालूम होगा इराक का डिक्टेटर था वो इसी बिडोइन ट्राइब को बिलोंग करता था वैसे ही आप देखें सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे बिडोइन ट्राइब्स के लोग आपको देखने मिलेंगे इसराइल वगैरह में भी आस के सीरिया में भी बिडोइन ट्राइब्स के लोग आपको देखने मिलते हैं नेक्स्ट अगर आप देखें तो कालाहारी कहाँ पे कालाहारी रिजर्ट ये देखिए तो यहाँ पे आपको जरा सा मैप दिखा देता हूँ सो दैट हो सकता है आप में से काफी लोग भूल गए हो तो ये देखिए दस नंबर पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में दिस इज दी कालाहारी डेजर्ट बाकी जो पोस्ट से लगा हुआ है दिस इज दी नमीब डेजर्ट तो कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कालाहरी डेजर्ट की अगर हम बात करें ये रहा तो कालाहरी डेजर्ट है यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत फेमस ट्राइब्स हैं बुशमैन 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 अगर आप देखें तो ये कालाहारी में रहते हैं वैसे ही सिमिलर ट्राइब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं दे आर बिंडिबू बिंडिबू ये आज भी प्रिमिटिव है ये लोग खेती करना नहीं जानते हैं एंड हंटर एंड फूड गैदरर है नोमैडिक हंटर है फूड गैदरर है, है उसमें भी अगर आप दुश्मन की बात करें तो वो तो जानवर के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं याद है मैंने आपको कहानी सुनाई थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जब कंसेप्ट बताया था कि जानवर के पीछे भागते रहते हैं दस किलोमीटर बीस किलोमीटर तीस किलोमीटर और फाइनली जानवर गर्मी से गिर जाता है लेकिन ये क्या करते हैं ये भागते रहते हैं बारी बारी जो अपना लीडर होता है दौड़ाने वाला वो बदलते रहते हैं और उसके साथ क्या होता है फाइनली जानवर जानवर हीट स्ट्रोक से गिर जाता है फिर जानवर को मार के खाया जाता है वैसे ही अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बिंडिबू और हैं वो भी वैसे ही रहते हैं प्रिवेटिव मोड ऑफ लिविंग है उनका भी हंटर एंड फूड गैदर है हालांकि ऑफ लेट क्या हो रहा है अब इनके टाइम अब इनमें से काफी ट्राइबल्स ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम हो रहे हैं और अपना जो लिविंग का तरीका था वो बदल रहे हैं अगर हम बिंडिबू की बात करें जो कि कहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं के इनके भी कहते हैं तो इनकी बात करें अगर हम तो ये वाइल्ड डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं इनके वाइल्ड डॉग को क्या बोलते हैं डिंगो डिंगो जिसके द्वारा वो कैंगरू रैबिट बर्ड को ढूंढ पाते हैं और फिर उसका शिकार कर पाते हैं एंड ये वर्लीज में रहते हैं रिलीज क्या होता है घास का बना हुआ सिंपल शब्दों में कहूं तो झोपड़ा जैसा होता है ना उस प्रकार का है तो ग्रास एंड टफ का बना हुआ होता है इनका अरेबिया के जो बिडोइंस हैं वो घोड़ों पे राइड करते हैं टेंट्स में रहते हैं एंड वैसे ही आप देखें टूआरेग हैं सहारा के ये कैमल राइडर्स होते हैं इनको ब्लू पीपल भी कहा जाता है शायद आप लोगों ने शायद आप लोगों ने देखा हो इस प्रकार के नीले कपड़ों में माफ कीजिएगा हाँ तो इस प्रकार के आप लोगों ने शायद नीले कपड़ों में देखा होगा डिजर्ट में ही कुछ लोग होते हैं एक बहुत फेमस गाना भी है एक बहुत फेमस गाना भी है उसमें ऐसे ही नीले कपड़ों में वो नाच रहा है गाने का नाम कोई बताएगा मुझे शायद सुना हो सर करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए सर, टेलीग्राम ग्रुप में कौन सा मटेरियल बेस्ट है प्लीज रिप्लाई सर पूजा शर्मा जी सब्र कीजिए ये सारे सवाल जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे अभी टॉपिक रिलेटेड सवाल ही सबको पूछने हैं अभी जनरल नॉलेज का सवाल पूछोगे तो क्लास के लास्ट में मैं पूछूंगा बारह बजे करीब साढ़े बारह बजे करीब साढ़े बारह बजे आप पूछिएगा ये सारे सवाल आज तो क्लास बंद था ना सर क्लास बंद नहीं होती क्लास डिले होती है क्लास होगी रोज हाँ जी आपने बताया नहीं नीले कपड़ों में किस गाने में आप लोगों ने देखा है अरे यार गाने नहीं सुनते क्या आप लोग ऐसा कैसे हो सकता है न झा न जा कौन सा गाना है वो पंजाबी गाना है ना एक तो उसमें आपने देखा होगा नीले कपड़ों में रेगिस्तान में नाच रहे हैं तो वो कौन है टू आर एग्सै याद रखिएगा हु आर दे दे आर वारेग्स। जल जलीमा सौंग। जलीमा सॉन्ग, सॉन्ग नहीं 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 उसकी बात नहीं कर रहा था मैं, उसमें होगा तो बात अलग है चलिए तो बिडोइ ऑफ अरेबिया अगर आप देखें तो इन्हीं प्रकार के घोड़ों में राइड करते हैं, टेंट्स में रहते हैं। नहीं नहीं, नहीं कक्कड़ उनका गाना नहीं है वो दूसरे सिंगर है उनका गाना है पंजाबी सिंगर ही है।, है उसी का है चलिए ठीक है गानों की बात होती रहेगी जो भी है देख लीजिएगा हु आर दी टूर जो नीले कपड़ों में रहते हैं सारा में रहते हैं दे आर ऑल्लो कॉल्ड एज दी ब्लू पीपल ब्लू पीपल ठीक है बाकी ये क्या है कैमल राइडर्स होते हैं एंड इसके सिवा आप अगर देखें तो ये

रहते हैं तो इकोनॉमी अगर आप डिजर्ट की देखें ना तो वैसे तो बेडोइन की बात करें तो ये डिजर्ट में रहने वाले लोग हैं जो कि एज ए नोमैडिक हर्ड्समैन रहा करते थे एक टाइम में नोमैडिक हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम में आप देखें तो इतना मिनरल वेल्थ मिला है इन डिजर्ट में कि सब कुछ बदल सा गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट की बात करें तो वहां पर क्या मिल रहा है गोल्ड सब सोने की तलाश में भागे थे इमिग्रेंट्स यूके से आ रहे हैं अलग अलग जगहों से आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं गोल्ड है वहां पे तो गोल्ड की तलाश में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की ओर चले गए वैसे ही आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़े बड़े टाउन्स बन गए हैं जो कि माइनिंग टाउन रेगिस्तान में वैसे ही आप अगर देखें तो कालाहरी डेजर्ट में डायमंड एंड कॉपर मिला है एंड इस वजह से थर्स्ट लैंड वो जमीन जो प्यास बुझाता हो वो भी इसको कहा जाता है वैसे ही एटाकामा चिले में यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों की अगर हम बात करें तो इस इलाके में भी आप अगर देखें वन बावजूद लार्ज माइनिंग कैंप्स है यहाँ पे यहाँ पे आप देखो तो कैलिच जो कि सीमेंटेड ग्रेवल्स होता है उसकी माइनिंग की जाती है जिसे सोडियम नाइट्रेट निकालते हैं जो कि फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है वैसे ही सॉल्ट पीटर आप देखे तो एक टाइम में बनाया जाता था इसी से इसके सिवा आप देखो तो नाइट्रेट एंड कॉपर की माइनिंग एटाकामा में होती है एटाकामा में चुकी कमाटा वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट हाइट पर है बिल्कुल हाइट पर है एंडीज पहाड़ों के आसपास है वैसे ही आप देखे तो नॉर्थ अमेरिका में सिल्वर माइनिंग होती है मेक्सिको में यूटा में यूरेनियम माइनिंग होती है एंड कॉपर होता है नवाडा में उनके मुहावे डेजर्ट में मुआवे डेजर्ट कहाँ पे ये जो नंबर आप देख रहे हो दिस इज दी आप देखो तो मुआवे डेजर्ट जो कि यूएस में मेक्सिको वाले रीजन में सोनोरन डेजर्ट मुआवे डेजर्ट के नाम से जाना जाता है इसके सिवा ऑयल अरेबिया में डिस्कवर हुआ है तो वहां पे जो रहने वाले बिडोइ थे उनकी किस्मत पलट चुकी है और अब सब कोई अमीर हो चुके हैं अमीर हो चुके एक टाइम में कैसे थे एक टाइम में कैसे थे चरवाहे थे हर्ड्समैन हर्ड्समैन थे नोमैडिक थे पर आज अगर आप देखोगे तो ये सब अमीर हो चुके हैं चलिए डेजर्ट के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मेडिटरेनियन क्लाइमेट मेडिटरेनियन क्लाइमेट सर पर्सपेक्टिव स्टार्ट कब करोगे परस्पेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में आता है यहाँ पे हम ज्योग्राफी फॉर जीएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है परस्पेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की ठीक है चलिए आगे देखते हैं मेडिटरेनियन क्लाइमेट मेडिटरेनियन क्लाइमेट सबसे पहले तो देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूटेड कहां कहा पर आपको देखने मिलता है मेडिटरेनियन क्लाइमेट मेडिटरेनियन क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो जब भी पूछना है लोकेशन है तो क्या करोगे जाओगे अपने डब्बे के पास डब्बा याद है हमने पहले क्लास में पढ़ा था वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के तो हमने देखा था कि भाई ये डब्बा कह रहा है थर्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट का कौन सा भाग है मेडिटरेनियन वेस्टर्न भाग है तो हर कॉन्टिनेंट के थर्टी से फोर्टी फाइव डिग्री लैटिट्यूड वाले रीजन के वेस्टर्न भाग में क्या मिलता होगा मेडिटरेनियन क्लाइमेट देखिए कॉन्टिनेंट कह रहे हैं बेसिकली एक एलोंगेटेड कंटिन्यूस लैंडमार्क की बात हो रही है यहाँ पे एशिया और यूरोप तक एक सिंगल लैंडमास बन रहा है इसीलिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अगर आप देखो तो ये थर्टी फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा इतने सारे देश हैं इतने सारे देश हैं मेडिटेरेनियन सी जिससे लगी हुई है इसी इलाके के आसपास आप देखोगे तो क्या देखने मिलेगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो इन इलाकों में आप देखोगे यहां पर क्या देखने मिलेगा मेडिटरेनियन क्लाइमेट साउथ अमेरिका में जाओगे तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा मेडिटरेनियन क्लाइमेट वैसे ही यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा साउथ अफ्रीका में मेडिटरेनियन क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया में देखोगे यहां पर क्या देखने मिलेगा मेडिटरेनियन क्लाइमेट तो इस प्रकार से वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में थर्टी टू फोर्टी फाइव लैटीट्यूड में क्या देखने मिलता है मेडिटरेनियन क्लाइमेट आपको देखने मिलता है तो लोकेशन जब आप समझ गए हैं तो आइए अब इसके नोहाउ को भी समझेंगे तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो कहां है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर वाले रीजन में आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने मिलता है तो ये क्लाइमेट बनने के पीछे बेसिस क्या है कारण क्या है तो वो है यहाँ पे प्रेशर बेल्ट जो बदलते हैं उस वजह से ये क्लाइमेट आपको बनती हुई दिखती है सबसे बड़ा रोल है इस क्लाइमेट के बनने में यहाँ पे प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ दी प्रेशर बेल्ट जिस वजह से विंड बदल जाती हैं तो लोकेशन आपको दिखा देता हूं ये देखिए ध्यान से तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कैलिफोर्निया वाला रीजन है चिले का रीजन है वैसे ही आप देखो तो ये मेडिटेनियन सी से जुड़ा हुआ रीजन है सबसे अच्छा यहीं पर डेवलप किया इसलिए बाकी जगह पे भी इस प्रकार का क्लाइमेट होता है तो क्या बोलते हैं कि भाई ये तो मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट है ये तो मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट है केपटाउन में भी कैसा क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट है तो अब देखेंगे इसको लोकेशन थोड़ा और एक बार जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इसकी यूनिक खासियत क्या है मेडिटेरेनियन सुनते ही आपको क्या याद करना है विंटर रेन विंटर रेन मेडिट्रेनियन सुनते ही आप याद कीजिएगा ये कैसा बारिश होती है? में बारिश होती होती है है summer, winter, है है विंटर विंटर में इसका इसका यूनिक यूनिक फीचर फीचर ड्राई समर वेट होता तो मेडिट्रेनियन रीजन में मेडिटेनियन सी वाला पूरा इलाका हो गया इसके सिवा कैलिफोर्निया का इलाका हो गया फ्रांसिस्को के सैन uh, फ्रांसिस्को के पास वाला रीजन अफ्रीका में केप टाउन के पास वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया तो में अगर आप देखो तो विक्टोरिया एंड एडिलेड के पास वाला वैसे ही आप देखो तो साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने मिलता है स्वानलैंड लैंड वाले इलाके में तो इन इलाकों में आपको कौन सा क्लाइमेट मिलता है मेडिटरेनियन अब समझते हैं ये क्लाइमेट बनता कैसे है ये क्लाइमेट बनता कैसे है तो आइए आपको सबसे पहले डब्बे के माध्यम से ही कुछ समझा देता हूं तो जरा इसको नोट कीजिएगा चलिए तो अब जैसा आप यहां पर ये डब्बा देख रहे हैं ये थर्टी डिग्री लैटिट्यूड है ये क्या है फोर्टी फाइव डिग्री लैटिट्यूड। तो अब मुझे बताइए इन लैटिट्यूड में कौन सी हवाएं चलती होंगी नॉर्मली यहां पे थर्टी डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई होता है यहां पे कैसी चलती है अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो यहां पे क्या चलती है नॉर्थ ईस्ट यहां पर क्या चलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यही चलती है ना नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थर्टी लैटिट्यूड के ऊपर जाते हैं तो क्या चलने लगती है नॉर्मल टाइम्स पे क्या चलती है यहां पे भाई वेस्टर्लीज सही बात है बहुत बढ़िया <coughs> तो यदि यहाँ पे वेस्ट इंडीज चलती है और कॉन्टिनेंट का कौन सा भाग है वेस्टर्न भाग है यानी कि यहां पे आप देखोगे तो ऐसे कौन सी हवाएं चल रही है वेस्ट इंडीज चल रही है वेस्ट इंडीज चल रही है वेस्ट इंडीज चलेगी तो क्या होना चाहिए साल भर बारिश होना चाहिए समुद्र से आ रही है ऑनशोर है तो क्या करती होगी मॉइस्चर लेके आती होगी तो खूब बारिश करवाएगी इन इलाकों में लेकिन मैं क्या कह रहा हूं बारिश सिर्फ और सिर्फ विंटर में होती है समर में बारिश देखने नहीं मिलती है यही कह रहा हूं समर में बारिश देखने नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ विंटर में देखने मिलती है तो क्या कारण होगा इसके पीछे सर क्लियर दिख नहीं रहा गुड मॉर्निंग अनामिका क्लियर दिख रहा है सभी को बाकी सबको क्लियर दिख रहा है अनामिका हो सकता है आपका रिजोल्यूशन का गड़बड़ होगा रिजोल्यूशन अच्छा कीजिए हाँ तो साल भर बारिश होनी चाहिए लेकिन मैं तो कह रहा हूं भाई मेडिटेनियन क्लाइमेट में समर ड्राई होता है रेगिस्तान जैसा और विंटर्स अगर आप देखें तो वहां पे बारिश होती है ठीक बात है अब सुनिए अब सुनिए जरा कहानी देखिए हो क्या रहा है देखिए हो क्या रहा है हो यूं रहा है इन इलाकों में अपना सन ये तो थ्योरेटिकली ये जो ज्ञान दिया गया ये जो तो थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए था लेकिन सन क्या कर रहा है सन क्या कर रहा है समर सीजन में नॉर्थ शिफ्ट कर जाता है सन जो यहां रहता था वो शिफ्ट करके कहा चला जाता है समर सीजन में कुछ ऊपर शिफ्ट कर जाता है सन अगर आप देखोगे तो कुछ ऊपर शिफ्ट कर जाता है तो हाई प्रेशर बेल्ट जो थर्टी डिग्री पर बनती थी वो अब देखोगे तो हाई प्रेशर बेल्ट अब थर्टी डिग्री के बजाय कहा बनने लग जाएगी वो भी समर टाइम में क्या हो जाएगी कुछ यहां पर बनने लगेगी कुछ यहां पर बनने लगेगी इक्वेटोरियल लो भी अगर आप देखो तो वो भी अब जीरो डिग्री पे नहीं बनेगा वो भी अब क्या करता है कुछ नॉर्दर्न भाग में इस प्रकार से बनने लग जाता है तो अब अगर आप देखोगे तो इन इलाकों में कौन सी हवाएं चलने लगेंगी कौन सी हवाएं चलेंगी समर में जरा जल्दी से बताओ समर में कौन सी हवाएं चल रही हैं समर में कौन सी हवाएं चल रही है जल्दी से बता दो क्या चल रही है हॉट विंड नहीं रे बाबा नाम क्या है इस विंड का ट्रेड विंड है वेस्टर्ली है पोलर ईस्टर्ली है कौन सी हवाएं हैं ये <coughs> कौन सी हवाएं चलने लगी हॉट कोल्ड नहीं पूछा मैंने मैंने प्लानिटरी विंड का नाम बताओ ना वो पूछ रहा हूं मैं अरे किस दिशा से आ रही है देखो जरा ध्यान से फिर से बनाते हैं हाई प्रेशर यहाँ पे है जरा बना दें आपके लिए इधर पे लो प्रेशर है हवा ऐसे चलना चाहेगी लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स क्या बोलेगा साउथ में वेस्ट जाओ साउथ में लेफ्ट जाओ नॉर्थ में राइट right जाओ तो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट में कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो हवाएं कैसे चलने लगेंगी ऐसे शायद आपको नहीं दिख रहा तो मोटा बनाता हूं थोड़ा सा ये देखिए ऐसे चलने लगेंगी हवाएं ये कौन सी हवाएं हैं अगर हवाएं ऐसे चल रही हैं ये तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हुआ ना ये तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हुआ ना है कि नहीं तो इन इलाकों में अगर आप देखोगे कौन सी हवाएं चलती हुई दिखती हैं समर सीजन में वेस्टर्नली नहीं चलती है प्रेशर बेल्ट पलट गए समर सीजन में यहां पे नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट विंड दिखती है सही बात सही बात नॉर्थ ट्रेड विंड जब चलेगी समर सीजन में तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी कि यहाँ पे वेस्टर्ली हवाएं नहीं चल रही हैं इन इलाकों में अगर आप देखोगे तो कैसी हवाएं चल रही हैं कुछ ऐसी हवाएं चल रही हैं कुछ ऐसी हवाएं चल रही हैं, कुछ ऐसी हवाएं चल रही हैं ऐसे आ रही हैं हवाएं ऐसे इनके यहां उल्टा होगा साउथ ईस्ट होगा ठीक है तो इस प्रकार से चलने वाली कुछ ऐसे हवाएं आपको देखने मिलेंगी कुछ ऐसी हवाएं देखने मिलेंगी तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या साउथ ट्रेड विंड चलती हुई आपको दिखती है ना कि तो so, ये जो ट्रेड विंड आ रही है क्या ये समुद्र के ऊपर से आ रही है क्या ये सी के ऊपर से आ रही है नहीं ये किसके ऊपर से आ रही है लैंड के ऊपर से आ रही है लैंड के ऊपर से आ रही है तो so, इस वजह से इस वजह से ये कैसी होती होंगी कैसी होती होंगी कैसी होती होंगी ऑफशोर तो बिल्कुल ड्राई होती होंगी ड्राई होती होंगी तो ये क्या कराती होंगी? क्या ये बारिश कराएंगी? कराएंगी, कराएंगी। नहीं नहीं इसके सिवा हमने पढ़ा था थर्टी डिग्री में क्या होता है हाई प्रेशर सिस्टम होता है पच्चीस से बीस से तीस डिग्री के बीच में याद है हाई प्रेशर सिस्टम होता है इतने बीच में जिस वजह से क्या होता है रेगिस्तान में हवाएं नीचे सिंक कर रही होती हैं, ए डायबिटिकली वार्म होती हैं, तो वो जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है ना ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग समर्स, मेडिटेरेनियन रीजन भी उसी के चपेट में आ जाता है तो यहां पर क्या बन जाता है हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है सर नोटिफिकेशन नहीं आया अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है तो हाँ तो वो कहाँ बदला नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही है ना तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना चाह रहा है डायरेक्शन नहीं बदला कोरियोलिस फोर्स क्या कहती है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में किस तरफ मूव करने का कोरिओलिस फोर्स बोलती है भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो अगर आप तो सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स दी लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मुड़ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स दी राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मुड़ना यानी कि ये कैसे मुड़ जाएगी इस प्रकार से ना समझ आया समझ आया तो वही हो रहा है ठीक है तो ये कहानी हुई ये कहानी हुई समर की कहानी हुई समर की समर में अगर आप देखो तो रेगिस्तान वाला हाई प्रेशर सिस्टम उठ के इतने बड़े इलाके में हो जाता है तो हाई प्रेशर सिस्टम बढ़ जाता है और इतने बड़े इलाके में यह हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर आ जाता है उस वजह से भी उस वजह से भी आप अगर देखो तो जमीन गर्म भी हो रही है तो भी जमीन गर्म हो रही है मान लो जमीन की हवा ऐसे गर्म होके ऊपर उठना चाह रही है लेकिन ये तो हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है तो इस वजह से आसमान से क्योंकि हवा क्या हो रही है कंटिन्यूसली सिंक कर रही है तो ये जमीन से जो हवा गर्म है इसको ऊपर नहीं उठने देती और इस वजह से आप अगर देखो तो ये हाई प्रेशर सिस्टम बना रहता है जो कि पूरे इलाके को डायबिटिकली वार्म भी करता है और ड्राई भी बनाया रखता है तो मेडिट्रेनियन रीजन में बारिश नहीं होने के पीछे समर में दो कारण है पहला कारण हो जाता है एक मिनट हां दो कारण है पहला कारण हो जाता है कि भाई यहां पे कौन सी हवाएं चलती हैं समर्स में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड चलती हैं अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथ ईस्ट ट्रेड यानी कि ट्रेड विंड चलती है ट्रेड विंड के चलने के वजह से ये अगर आप देखो तो जमीन से ही आती है तो इस वजह से ऑनशोर नहीं ऑफशोर होती है इसके सिवा आप अगर देखो तो यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम भी बना रहता है जिस वजह से से ऊपर हवा सिंक कर रही होती है याद है ना हेडली सेल हेडली सेल में जो हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं वो इन्हीं इलाकों में कुछ गिर रही होती हैं कंटिन्यूसली और इनके गिरने के वजह से क्या होता है यहाँ पे हवाएं सिंक करती हैं तो इस वजह से अगर आप देखो तो ये जो इलाका है जो रेगिस्तान वाला क्लाइमेट है वही का वही रीजन में भी रिप्लीकेट हो जाता है ड्यूरिंग सीजन सर आज मास्टर क्लास लगेगी बिल्कुल लगेगी क्यों नहीं लगेगी बिल्कुल आओगी ठीक है तो ये तो हुआ समर में बारिश नहीं होने के पीछे कारण वही जब विंटर होता है तो क्या हो जाता है चलते हैं डब्बे के पास जब विंटर आता है तो देखिए डब्बे में क्या हो रहा है जब विंटर आता है जब विंटर आता है तो आपको मालूम ही है सन कहाँ जा चुका है अब अगर नॉर्दर्न एमोस्फेयर की बात करें तो सन किसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पर पर। यानी कि आप अगर देखो तो नॉर्मल टाइम में नॉर्मल टाइम में आप अगर देखो तो यहां पे जो हाई प्रेशर होता है कुछ 45 डिग्री तक चला जाता है वो हाई प्रेशर उतर के कुछ इतने भाग में सब ट्रॉपिकल हाई आपको देखने मिलता है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम जो ऊपर चला जाता है शिफ्ट कर जाता है ड्यूरिंग विंटर्स वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर्स वो नीचे शिफ्ट कर जाएगा और इस इलाके में आप अगर देखोगे इस इलाके में अगर आप देखोगे तो कैसी हवाएं चलने लगेंगी वेस्टर्नली विंडस जो चल रही होती हैं वो इस पूरे इलाके में आपको देखने मिलने लगती हैं तो इन इलाकों में ड्यूरिंग विंटर्स कौन सी विंड्स चलने लगती है वेस्टर्ली वेस्टर्ली विंड्स अगर आप देखो ड्यूरिंग विंटर आपको देखने मिलती है तो वेस्टर्ली विंड्स जब चल रही है तो जाहिर सी बात है वेस्टर्ली विंड्स क्या करेंगी और ये हाई प्रेशर सिस्टम भी नहीं बना हुआ है यहां पे अब हाई प्रेशर सिस्टम भी हट चुका है तो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं यहां से और इन इलाकों में खूब बारिश करवा देती है इन इलाकों में आप देखोगे खूब बारिश होती है क्योंकि आ रही है तो साथ में अपने मॉइस्चर भी वो कैरी करती है और इस वजह से अगर आप देखो तो खूब बारिश इन इलाकों में होता है समझ आया सभी को समझ आया तो आइए अब जरा लिटरेचर पढ़े सुनिए कहानी अब तो जितने भी इलाके हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में उनके उनमें अगर आप देखें तो विंटर कैसा होता है माइल्ड होता है लेकिन समर कैसा होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा गर्म होता है रेगिस्तान जैसा ही क्लाइमेट आपको रेप्लीकेट होता हुआ लगता है तो मानो जैसे रेगिस्तान वाला ही क्लाइमेट इन इलाकों में भी बन जाता है आप ग्रीस में एथेंस की बात कर लो समर में 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाती है वहीं अगर आप विंटर्स देखें तो मॉडरेट होता है है ना टेम्परेट रीजन है बहुत ज्यादा विंटर एक्सट्रीम नहीं होता वार्म विंटर आपको देखने मिलता है इसके सिवा आप अगर देखो तो वहीं अगर हम बात करें कुछ वेस्टर्न इलाकों की जैसे वैसे ही अगर हम बात करें यूएसए की यूएसए में भी सैन फ्रांसिस्को वाले इलाके में यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है समुद्र है और सैन फ्रांसिस्को वाले इलाके की बात करें तो यहाँ पे होता यू है ना कि यहाँ पे समुद्र का ठंडा पानी नीचे से अपवेल कर रहा होता है यानी समुद्र में जो नीचे का ठंडा पानी है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर आ रहा होता है और ये ऊपर आने की वजह से ठंडा पानी इन इलाकों के आसपास में आके ऐसे सेटल कर रहा होता है जिस वजह से जिस वजह से अगर आप देखोगे तो जिस वजह से अगर आप देखो, तो जितना गर्म होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को को उतना गर्म वो नहीं होता है समझ आया सर वेस्टर्लीज की वजह से अगर रेनफॉल होता है तो इंडिया में ये वेस्टर्लीज रेनफॉल को रोक के क्यों रखता है सर वेस्ट इंडीज से जैसे रेनफॉल होता है तो इंडिया में ये इंडिया में कौन वेस्टर्लीज को रोक के रखा है इंडिया वैसे मेडिटेनियन क्लाइमेट में आता ही नहीं है इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट है पूरा इंडिया में मेडिटेनियन क्लाइमेट आपको देखने नहीं मिलता है कहीं भी 30 डिग्री के ऊपर है ना 30 टू 45 डिग्री वाले रीजन में मेडिटेनियन क्लाइमेट देखना मिलेगा वो भी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट में तो इंडिया में वेस्टइंडीज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होती ही नहीं है ठीक है तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में अगर आप देखें यूरोप की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है वहीं आप अगर देखें तो यहाँ पे जो रीजन है अगर आप देखें ऐसे तो समुद्र के पास है तो इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी फिर भी नहीं पड़ती है और विंटर्स तो मॉडरेट होते हैं वार्म विंटर्स होते हैं माइल्ड होते हैं वैसे ही अगर आप समर रीजन्स में देखोगे ना मेडिट्रेनियन क्लाइमेट में तो वहां पे कैसा होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल होता है जिस वजह से बारिश नहीं होती ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन विंटर ड्यूरिंग विंटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विंटर्स में वेस्टर्ली विंड्स क्या करती हैं ऑनशोर होती हैं तो खूब बारिश यानी समुद्र से आती हैं तो समुद्र से आने की वजह से खूब बारिश यहां पर होती है इसके सिवा और एक कारण इसके सिवा और एक कारण है कि यहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स यहां पर बनते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स बनने की वजह से भी कौन सी बारिश होगी कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक या फ्रंटल कौन सी बारिश होती होगी कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक या फ्रंटल टेम्परेट साइक्लोन्स बन रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन्स किस वजह से बनते हैं फ्रंट्स के बनने से बनते हैं इसीलिए फ्रंटल रेनफॉल भी यहां पर आपको देखने मिलती है ठीक है तो इस इलाके में मोरोलस जितना भी साल में बारिश होता है सब कब होता है ठंड के दौरान विंटर्स में होता है समर देखो तो कैसा होता है बिल्कुल ड्राई बिल्कुल ड्राई सूखा भयानक सूखा समर होता है ठीक है नोट कीजिएगा मेडिटेरियन क्लाइमेट की खासियत क्या है विंटर 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 रेनफॉल 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 ज्यादा जगहों पे नहीं है कुछ ही जगहों पर होती है उनमें से एक है मेडिटेरियन क्लाइमेट इसके सिवा अगर आप देखें यहां पे वेजिटेशन कैसी है तो यहां पे जो वेजिटेशन है वो अगर आप देखें तो कुछ एवरग्रीन ट्रीज भी देखने मिलते हैं जैसे ओक जैसे कॉर्क ओक क्या होता है ओक की एक पर्टिकुलर प्रजाति है कॉर्क ओक अगर आप देखें तो ओक की एक प्रजाति है ओक की एक प्रजाति है और आप लोग वाइन बॉटल्स जानते होंगे तो आज के टाइम में तो महंगे वाइन के जो बॉटल्स होते हैं उनमें जो ढक्कन होता है वो जिसका बना होता है लकड़ी का होता है वो जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं कॉर्क और वो जिस लकड़ी की बनी है वो क्या है कॉर्क ओक है कॉर्क ओक है बहुत महंगा होता है बहुत महंगा होता है वो उसकी प्लांटेशन होती है उसको निकालना उसको एक्सट्रैक्ट करना कॉर्क को काटना अपने आप में एक कला है कभी यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च कीजिएगा कॉर्क ओक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इस प्रकार से पेड़ से कोक निकालना है कि पेड़ मरे भी नहीं और सही सलामत निकाल भी लें तो वो एक कला होती है वो एक स्किल होती है ठीक है तो कोक वाले पेड़ यहाँ पर मिलते हैं यूकिलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में मिलता है है ना वैसे ही आप देखो तो अः अगर, अगर वैसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्रब्स बहुत ज्यादा कॉमन है एंड स्क्रब्स क्या होते हैं मतलब बहुत ऊंचे पेड़ नहीं बुशेज टाइप्स के छोटे छोटे झाड़ झाड़ आपको देखने काफी मिलते हैं एंड उन झाड़ की बात करें तो झाड़ को जो मेडिट्रेनियन रीजन के झाड़ हैं इनका अलग अलग नाम भी होता है इनको याद रखिएगा क्या कहते हैं इनको कहते हैं माकीस कहां पे फ्रांस में माचिया इन इटली कैलिफोर्निया में इन झाड़ को क्या कहते हैं चेपरल ऑस्ट्रेलिया में माली और गारीगू गारीगु इसके सिवा ये जो विजिटेशन होता है ये कैसा होता है पाइरोफाइटिक पायर का क्या मतलब होता है फायर फायर पायरो क्या है बेसिकली फायर का ही लैटिन वर्ड है तो फायर फाइटिक मतलब लविंग यानी ये जो पेड़ है ना इनको मजा आता है जब आग लगता है आग लगे जंगल में है ना वैसे ही है ये मतलब आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में तो इनको मजा आता है तो जब आग लगती है तो ये क्योंकि मिलिटेनियन क्लाइमेट कैसा है मिलिटेनियन क्लाइमेट कैसा है वो अगर आप देखें तो बिल्कुल ड्राई है समर में जरा भी बारिश नहीं टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, है कि नहीं हाई टेम्परेचर ड्राई क्लाइमेट तो उसमें क्या होता है मॉइस्चर जरा भी नहीं है हवा में जरा सा भी हवा चली पत्तों में घर्षण हुई फ्रिक्शन से तुरंत आग लग जाएगी और फिर आग फैलती है तेजी से जंगल में तेजी से यह आग फैलने लगती है तो इसीलिए यहाँ पे साल दर साल मेडिटेरियन रीजन में आग लगती ही रहती है आप लोगों ने सुना भी होगा कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट फायर्स के बारे में आए दिन सुनते हैं ना कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लग रही है तो कैलिफोर्निया कौन सा इलाका है यही जिन बात जिस इलाकों की बात हो रही है दैट इज मेडिट्रेनियन क्लाइमेट तो वहां हर साल आग लगती ही रहती है नेक्स्ट अगर आप देखें तो पायरोफाइटिक हो गए हैं यहां के पौधे यानी क्या हो गया है इतने साल आग लगती है कि इनको मजा आता है तो अब इन प्लांट्स के जो बार्क होते हैं बार्क यानी जो छाल होती है पेड़ की जो छाल होती है वो कैसी होने लग गई है मोटी सी होती है मोटी सी होती है थिक होती है इस वजह से जब आग लगती है तो ऊपर के छाल में आग लगती है लेकिन अंदर का जो पेड़ होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है और साथ ही साथ जब आग लगती है तो जितने भी पुराने ओल्ड वृक्ष होते हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं जल के खत्म हो जाते हैं और वो क्या होता है उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिनरलाइज हो जाता है मिट्टी में चला जाता है और जो सॉइल की जो मिनरल कंटेंट है वो इम्प्रूव हो जाती है है कि नहीं तो इस वजह से आप अगर देखोगे इस वजह से आप अगर देखोगे तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो ऐसे ही एडजस्ट कर गए हैं कि जब यहाँ पे आग लगती है तो ये इनको मजा आता है और इस वजह से जो दूसरे जगह से आए हुए पौधे हैं जो कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज अगर आप देखो तो यहाँ पे आग में खत्म हो जाते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते लेकिन ये तो बढ़िया सरवाइव कर लेते हैं कोई दिक्कत ही इनको नहीं होती है इनको कोई दिक्कत ही आप देखोगे तो नहीं होती है है कि नहीं ठीक है तो पायरोफाइटिक बाकी यहाँ की इकोनॉमी अगर आप देखो तो इनको क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन कहते हैं क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन क्रेडल यानी पालना दुनिया की सिविलाइजेशन का क्यों ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कई ये इलाके में ही अगर आप देखो तो आज के टाइम में कई ऐसे धर्म है जो कि अपना ओरिजिन यहीं से ढूंढते हैं स्पेशली उसमें भी अगर आप ये इसराइल वाला इलाका देखोगे तो वहां से ही जुडाइजम आया है वहीं से क्रिश्चियनिटी ओरिजिनेट किया है वहीं से इस्लाम ओरिजिनेट किया है, है ना सबका सब अगर आप देखो तो इसराइल से ही ओरिजिनेट किया है इसराइल में कहा से जेरोसलम जेरूसलम तो ये क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि दुनिया की सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है इस इलाके का ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन किया जाता है स्पेशली यहाँ पे साइट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं साइट्रस फ्रूट क्या हो गया ऑरेंज ग्रो होता है है ना फिर लेमन ग्रो होता है यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं साइट्रस फ्रूट में ही जाहिर सी बात है इतना ज्यादा ग्रेप्स होता है ग्रो यहाँ पे कि ग्रेप्स जो सरप्लस बचते हैं उनसे क्या बनता है वाइन मेकिंग वाइन बनाया जाता है विटी कल्चर वाइन बनाया जाता है इसके सिवा सीरियल वगैरह तो ग्रो करते ही हैं इनको दुनिया का ऑर्चर्ड लैंड भी कहते हैं ऑरेंज लेमन लाइन सिट्रॉन ग्रेप ये सब ग्रो किया जाता है यहाँ पे ठीक है बाकी मेडिटेरेनियन रीजन सेवेंटी परसेंट ऑफ दर्ल्ड्स साइट्रस फ्रूट के एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला इलाका बाकी यहाँ पे सीरियल्स अगर आप देखें तो वीट उगाया जाता है वीट अगर आप देखें तो विंटर में क्योंकि तब बारिश होती है तो वही वाला विंटर वीट यहाँ पे उगाया जाता है एंड उसका इस्तेमाल करते हैं उस विंटर वीट का वो रिलेटिवली हार्ड वाला हार्ड वाला वीट होता है कड़क वाला वीट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं मैक्रोनिस वर्मी सेली ये सब बनाने में बार्ली भी उगाया जाता है एंड वाइन बनाने के लिए विटिकल्चर यहां पर प्रैक्टिस किया जाता है समझ आया मेडिटेरेनियन रीजन कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है पूरा कंसेप्चुअल है चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेपी क्लाइमेट स्टेपी क्लाइमेट पर इससे पहले स्टेपी क्लाइमेट देखे आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है महानवरात्रि सेल यूपीएससी एग्जाम का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन जो छत्तीस हजार में मिलती है वो आपको मिलेगी अठारह हजार सात सौ उन्नीस रुपए में जब आप कूपन कोड क्या यूज करेंगे किंजल के आई एन जे ए एल याद रखिएगा तो अठारह में आपको मिल रहा है वन ईयर सब्सक्रिप्शन और इतना ही नहीं एक मेगा ऑफर भी है आपको चांद से मिलने का मारुति एक्सप्रेसो जी हाँ दोस्तों आपको गाड़ी मिल सकती है और हर घंटे स्मार्टफोन भी मिल रहा है तो ये सब मिलेगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यूजिंग दिस कोड किंजल एंड एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटीन यानी सुपर डिस्काउंटेड रेट इस प्रकार का रेट पता नहीं फिर आएगा तो मेक श्योर sure लेने का सोच रहे हैं तो यही वो टाइम है इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा टेक्स्ट बुक पास भी आपको मिलेगा तो ये सब मिल रहा है सुपर कोचिंग क्या है आपको बता देता हूँ सुपर कोचिंग यूपीएससी के सारे नीड्स के लिए थर्टी प्लस वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा फाइव फिफ्टी प्लस मॉक टेस्ट है फाइव हंड्रेड प्लस स्टडी नोट है फाइव वन थाउजेंड प्लस डेली लाइव क्लासेस है एक्सपर्ट्स के द्वारा इसके सिवा हमारे प्लस सुपर टीचर्स है जो की ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में Across India, best से जुड़े हुए हैं तो so वहां पर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं डाउट सॉल्विंग -on है, में डेली लाइव क्लासेस हो रही है जोग्राफी आप अटेंड कर रहे हैं वैसे ही पॉलिटी हिस्ट्री इकोनमिक्स करेंट अफेयर भी हो रहा है एंड क्या करना है महानवरात्रि सेल है इसका फायदा उठाए बस दो दिन की यह सेल है तो मेक श्योर इसका आप बेनिफिट ले रहे हैं अठारह में इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं वन ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है चलिए यूज द कोड किंजल के आई एन जे एल चलिए मेडिटेनियन क्लाइमेट के बाद हम देख रहे हैं स्टेपी क्लाइमेट स्टेपीज या स्टेप्स भी कहते हैं स्टेप्स भी कहते हैं स्टेपी भी कहते हैं आपकी मर्जी है तो ये अगर आप देखें सबसे पहले तो स्टेपी क्लाइमेट की अगर हम बात करें स्टेपी क्लाइमेट की अगर हम बात करें सबसे पहले तो तो बॉर्डरिंग डेजर्ट्स है ना ये क्या है बेसिकली 30 से 45 फाइव लैटीट्यूड वाला ही इलाका है लेकिन कहाँ है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है ये देखते हैं अपने डब्बे पे देखते हैं सबसे पहले कहां पर है तो सेम 30 से 45 फाइव लैटीट्यूड लेकिन हर कॉन्टिनेंट के बीच में क्या मिलेगा डेजर्ट्स भी इसके ठीक थोड़ा नीचे सुडान डेजर्ट वाला इलाका आ जाएगा और ऊपर जाओगे तो साइबेरियन टाइप आ जाएगा उसके बीच में क्या है ये स्टेपी क्लाइमेट स्टेपी क्लाइमेट तो स्टेपी क्लाइमेट अगर आप देखो तो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच थर्टी से फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड थर्टी से फोर्टी फाइव डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आपको देखने मिलता है कौन सा क्लाइमेट स्टेपी क्लाइमेट देख रहे हो थर्टी से फोर्टी फाइव डिग्री देख रहा है विनोद थर्टी से फोर्टी फाइव डिग्री लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट के बीचों बीच कौन सा है क्लाइमेट स्टेपीज थोड़ा सा स्टेपीज स्टेपीज स्टेपीज, स्टेपीज। देख रहे हो सभी को ये देख रहे हैं ठीक है तो अब जब आप लोकेशन समझ गए हैं तो ये अगर आप देखें तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में होता है एंड यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने मिलते हैं यानी कि कैसा है ग्रासलैंड घास होता है ठीक है ये कहां पर है अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंटल है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है यूरेशिया में इनको क्या कहते हैं कजाकिस्तान किर्गिस्तान है ना अजरबैजान, ये सब क्या है इसी इलाके में आ रहा है तो ये सब क्या है ये सब क्या है स्टेपीज का भाग है स्टेपीज का भाग है तो इन्हीं को हंगरी में ईस्टर्न यूरोप तक ही एक्सटेंड करता है हंगरी में क्या बोलते हैं पुस्ताज और ईस्ट में कहां तक हंगरी से लेके ये देखो पुस्ताज है यहां पे ये यह देखो यहां पे क्या है दिस इज पुस्ताज हंगरी से लेके मंचूरिया ग्रासलैंड चाइना तक एक्सटेंड करता है एक्सटेंड करता है मंचूरिया ग्रासलैंड तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो इनको क्या कहते हैं प्रेरीज प्रेरीज ये देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका में इनको क्या कहते हैं प्रेरीज वैसे ही साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में क्या कहते हैं यहां के ग्रासलैंड को पैम्पाज साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं वेल्ड्स वेल्ड्स ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं डाउंस डाउंस न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं कैंटरबरी कैंटरबरी क्या कहते हैं कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया में डाउन और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी तो इनको कहते हैं मंचूरियन ग्रासलैंड इन मंचूरिया चाइना नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज वैसे ही आप देखें तो अर्जेंटीना में पैंपाज अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंड साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो ये कालाहारी एक तरफ इनके काला हरी डेजर्ट है दूसरे तरफ ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है उसके बीच में आपको देखने मिलता है वेल्ड वेल्ड ठीक है इसके सिवा ऑस्ट्रेलिया में डाउन न्यूजीलैंड में कैंटरबरी तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन जाहिर सी बात है क्लाइमेट कैसा होगा क्लाइमेट कैसा होगा कॉन्टिनेंटैलिटी है समर बहुत गर्म विंटर बहुत ठंडा होगा तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बिल्कुल हाई हो जाएगा तो क्लाइमेट अगर आप देखो तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है समर बिल्कुल वार्म होता है विंटर बिल्कुल कोल्ड हो जाता है टाइप ऑफ़ क्लाइमेट में अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखो तो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो स्टेबी टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा होता है सिवियर सिवियर एक्सट्रीम होता है सिवियरली एक्सट्रीम होता है ना सिवियरली एक्सट्रीम होता है क्यों क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन सदर्न हेमिसफेयर में देखो समुद्र पास में ही है तो इसीलिए कॉन्टिनेंटैलिटी ज्यादा नहीं देखने मिलती है सदर्न हेमिसफेयर में यह सिवियर नहीं होता है यहां पे अगर आप एनुअल रेंज ऑफ टेंचर देखोगे जाहिर सी बात है कॉन्टीनेंटैलिटी है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है सदर्न हेमिसफेयर में कम है नॉर्दन हेमस्फेयर में ज्यादा है तो इस वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बिल्कुल हाई होगा क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी है ठीक है इसके सिवा अगर आप देखो तो एवरेज रेनफॉल यहां पर कैसी होती है तो वो आप देखो पचास तो सेंटीमीटर तक आपको देखने मिलती है लगभग उससे ज्यादा नहीं करीबन पचास सेंटीमीटर सोनी बीस पचास सेंटीमीटर के आसपास देखने मिलती है और बारिश कब होती है समर में या विंटर में यहां पे अगर आप देखो तो बारिश होती है समर सीजन में समर रेनफॉल होता है समर रेनफॉल क्यों क्योंकि समर में क्या होता है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है जमीन गर्म होती है तो गर्म होने से हवा क्या होगी भाई जमीन गर्म होगी तो ऊपर की हवा गर्म होगी गर्म हवा होगी तो यह हवा ऊपर उठेगी ऊपर उठेगा तो डायबेटिकली कूल होगा प्रोसेस में क्या बनेगा बादल कौन सी बारिश होगी कन्वेक्टिव रेनफॉल थर होंगे कन्वेक्टिव रेनफॉल होगी तो ये सब आपको यहां पर देखने मिलेगा कहां पर इन इलाकों में तो स्टेपी क्लाइमेट की एक खासियत है थंडर स्टॉम होता है समर में थोड़ी बहुत बारिश होती है ठीक है नेचुरल वेजिटेशन कैसा है तो देखिए ग्रास लैंड है यहाँ पे ग्रास होता है सवाना भी ग्रास था लेकिन सवाना ग्रास अगर आप देखो तो ऐसे पेड़ होता था फिर इस प्रकार से घास होते थे फिर दूर तक घास है फिर ऐसे एक इंडिविजुअल पेड़ आपको देखने मिलता था तो अगर आप स्टेपीज की बात करें तो यहाँ पे ये यह प्योरली ग्रास होता है प्रैक्टिकली ट्रीलेस पेड़ नहीं होते ग्रासेस होते हैं विंटर में तो इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आप देखो तो ये इलाके बर्फ से ढक जाते हैं और बर्फ से ढक जाने से क्या होता है ग्रास खत्म हो जाता है लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है बर्फ पिघलने लगती है तो वापस ग्रास आ जाते हैं रेनफॉल मॉडरेट होता है बीस इंचस के आसपास पचास सेंटीमीटर करीब ग्रास कैसे होते हैं न्यूट्रिशियस होता है सवाना की तरह ऊंचा ऊंचा नहीं होता है लेकिन न्यूट्रिशियस एंड जूसी होता है वहीं अगर आप देखो तो <coughs> वहीं अगर आप देखो तो जहां पे बारिश ज्यादा होती है उन इलाकों में घास और ऊंचा होता है फ्रेश होता है न्यूट्रिशियस होता है वहीं जैसे स्टेपी में एशिया में अगर आप देखो तो बारिश कम होती है तो वहां पे अगर आप ट्वेंटी इंचेस से यानी फिफ्टी सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है वहां पे शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास होता है वहीं नॉर्थ अमेरिका में लॉन्ग प्रेयरी टाइप ग्रास होता है और ये जो प्रेयरी वाला ग्रास होता है ये अगर आप देखो तो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है पशुपालन के लिए स्टेपीज वाला ग्रास कम न्यूट्रिशियस होता है पशुपालन के लिए और सवाना वाला ग्रास तो बिल्कुल ही खराब होता है रफेजी है वो न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है ठीक है तो स्प्रिंग में ग्रास क्या होता है वापस अपियर करने लगता है विंटर में क्योंकि बर्फ से ढक जाता है तो उसके बाद आप देखो तो स्प्रिंग सीजन आती है तो उसके बाद आपको वापस से इलाकों में ग्रास देखने मिलती है इकोनमी क्या है यहाँ पे तो दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड वाले जो रीजन है ना एक टाइम में यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स बहुत हुआ करते थे एक टाइम में जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस एशिया की बात करें बाइसन्स अमेरिका के प्रेयरीज की बात करें बफेलो साउथ अमेरिका के पैंपास की अगर हम बात करें तो लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है यहाँ पे क्योंकि ये ग्रासलैंड है तो एक विशेष प्रकार का ग्रास इस पूरे इलाके में उगाया जाता है कौन सा ग्रास वीट यहाँ पर वीट कल्टीवेशन होती है वीट क्या है एक प्रकार का ग्रास ही है तो ये वीट कल्टीवेशन यहाँ पर होता है और बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी वीट का देखने मिलता है और इसी के साथ साथ आप देखें तो एक्सटेंसिव मैकेनाइज तरीके से यहाँ पे वीट कल्टीवेशन होता है एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है इसको ग्रैनरीज ऑफ दी वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वीट कल्टीवेशन होती है ये दुनिया भर को एक्सपोर्ट की जाती है अभी आपको मालूम है ना यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है रशिया यूक्रेन ये सब इसी प्रकार के मेजर वीट कल्टीवेटर्स हैं इसी स्टेपीज में वो सब क्या करते हैं वीट कल्टीवेट करते हैं और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसलिए आपको मालूम है ग्रैनरी ऑफ दी वर्ल्ड है कैसे इंटरनेशनल मार्केट में वीट सप्लाई शॉक हो गया है रशिया यूक्रेन वॉर से तो ये ही वो इलाका है बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टाइम में टफ्टेड ग्रास हुआ करता था साउथ अमेरिका के पैम्पाज में लेकिन अब वहां पे कल्टीवेटर ने अल्फा, अल्फा अल्फा ग्रास लगाना शुरू कर दिया है और अब वहां पे अल्फा अल्फा, अल्फा ग्रास पैम्पाज में उगाया जाता है और ये अल्फा अल्फा, अल्फा ग्रास अगर आप देखो तो इस पैम्पाज में जहां पर उगता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है पशुओं के लिए पशुओं के लिए तो हाईली न्यूट्रिशियस है तो इन इलाकों की अगर हम इकोनमी की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है जिसमें मेजरली वीट कल्टीवेशन होता है इसके सिवा आप अगर देखें तो पशुपालन किया जाता है कैटल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है और ये सब का सब अगर आप देखें फिर वो पशुपालन हो व्हीट कल्टिवेशन हो सभी का सभी मैकेनाइज तरीके से होता है एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है मैकेनाइज प्रोसेस से किया जाता है तो ये आपको जानना है यहां तक तो किसी को कोई डाउट सभी को समझ आया स्टेपी क्लाइमेट मान के चलू सबको समझ आया एक टाइम में यहां पे नोमैडिक ट्राइब्स रहा करते थे आज के टाइम में भी है लेकिन उतना अब उतना ज्यादा नोमैडिक ट्राइब्स आपको देखने नहीं मिलता आज के टाइम में सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं जैसे किर्गीज जैसे उसे जैसे कजाक्स उजबेक्स ये सब थे आज के टाइम में आपको उतने ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे चलिए तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्लास को इतना ही नहीं इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल ये रहा जहां पर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों के साथ ऑलरेडी साझा कर दी गई है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाकी फिर मिलेंगे कहानी आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ कहानी आगे हमारी बढ़ेगी और आर भी हमें पढ़ना है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय डू टेक केयर एंड फिर मिलते हैं और कहानी आगे बढ़ते हैं बाय